दोस्तों, मैं आशीष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर मैं आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होल्डर है और आपके पास एटीएम कार्ड है, मतलब आपके पास डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड है, तो आप इसका पिन कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो जिससे देख सकते हैं कि मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होल्डर हूँ और मेरे पास एटीएम है, ठीक है। और मैं आपको अपने मोबाइल से बना के दिखाऊंगा पिन कि आप अपना मोबाइल से कैसे पिन बना सकते हैं। तो आप घर बैठे बना सकते हैं, बट आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, कि आप घर बैठे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बट मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, अभी तक किसी ने भी YouTube पे वो वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हाल ही में एक दिन पहले ही ये अपडेट आया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक नंबर पर आपको कॉल करना है। तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है, ठीक है। इस नंबर पर आपको कॉल करना है, कॉल उसी नंबर से करना है जो कि आपके बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो चलिए मैं कॉल मिलाता हूँ। नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक के संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। आपकी पसंदीदा भाषा हिंदी है, जारी रखने के लिए एक और अपनी भाषा बदलने के लिए शून्य। एटीएम या डेबिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए शून्य दबाएं। रजिस्टर मोबाइल नंबर से आधारित सेवाओं या फोन बैंकिंग और खाता संबंधित सेवाओं के लिए एक दबाएं। एटीएम, डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड संबंधित सेवाओं के लिए दो दबाएं। दो दबाना है आपको। अपना एटीएम पिन जनरेट करने के लिए एक दबाएं। आपको एक दबाना है। डेबिट कार्ड का पता, अगर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल कर रहे हैं तो कृपया एटीएम पिन जनरेशन के लिए एक दबाएं। ग्राहक प्रतिनिधि से बात, कृपया कार्ड संख्या के अंतिम पाँच अंक दर्ज करें। लास्ट का पाँच अंक दर्ज कीजिएगा, जैसे मैं 6 8 6 8 7 दर्ज कर दिया हूँ। आपके द्वारा दर्ज किया गया एटीएम या डेबिट कार्ड नंबर है 6 8 6 8 7, अंतिम पाँच अंक की पुष्टि करने के लिए एक दबाएं। कार्ड के अंतिम पाँच अंक को कृपया खाता संख्या के अंतिम पाँच अंक दर्ज करें। आपके द्वारा दर्ज की गई खाता संख्या है 9 8 7 6 4, अंतिम पाँच अंक की पुष्टि करने के लिए एक दबाएं। खाते के अंतिम, कृपया YYYY के प्रारूप में आपके जन्म का वर्ष दर्ज करें। आपको वर्ष दर्ज करना है कि कौन से सन में आप पैदा हुए थे, ठीक है, 1993, 1995, 1900, जो भी होगा आपको वो डालना है। जैसे मैं अपना डाल देता हूँ। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP SMS से भेज दिया गया है, जो केवल 48 घंटों के लिए मान्य है। कृपया निकटतम ATM में जाएं और इस OTP के प्रयोग द्वारा नया ATM पिन जनरेट करें। देखिए, अब मेरे पास एक 4 डिजिट का उधर से पिन आया होगा, उसको बस क्या करना है, उसको बस जाके चेंज करना है ATM मशीन से, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 1:57 हो रहा है और यहाँ पे भी 1:57 हो रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए जो OTP मतलब ATM का पिन आया है, ये 9001 है, बट आपका भी आ जाएगा, 100% है कि आपका भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये है कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको ये जाके पिन बनाना होता है। 24 घंटे के बाद में आप अगर मिल जाते हैं तो जिसे कॉल किया वो इसे इस पिन जनरेट कर लीजिएगा, और जो आपको पिन मिलेगा अब इसको चेंज करना है, ठीक है। अब इसे चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने नज़दीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM मशीन पर जाना। तो चलिए हम ATM मशीन पर चलते हैं। बट तो यहाँ पे देखिए, मैं ATM मशीन पर चला आया हूँ और आप लोग भी चले जाइएगा, बट मैं ATM मशीन जो दिखा रहा हूँ एक मैं एडिट करके बनाया हूँ, बट आपको एडिट में और ATM मशीन पे कोई फ़र्क नहीं है, बट इसके बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगा है। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एडिट करके इसलिए बताया हूँ कि ताकि आपको एडिट मतलब HD में दिखे। तो आपको ATM मशीन पर जाने के बाद आपको ATM कार्ड स्वाइप करना है ATM मशीन के अंदर। ATM मशीन के अंदर जैसे स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज आएगा, तो अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिएगा इंग्लिश। इंग्लिश पे जिसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का आएगा, ये बोलेगा कि आपको 10 से 99 के बीच आपको कुछ टाइप करना है, जैसे कि आप 25 या 30 कर दीजिएगा, जैसे कि आप लोग 25 ही डाल दीजिएगा, उसके बाद यस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको बोलेगा एंटर योर न्यू पिन, तो आपका जो पिन आया रहेगा जो कि मेरा आया था 9001, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। बट आपका जो भी पिन आया होगा, ठीक है, वो आप लोग एंटर कीजिएगा। जैसे मेरा आया था, मैं यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह का आएगा, जैसे पिन डालेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आपको राइट साइड में बैंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे बैंकिंग पर क्लिक करेंगे
तो कुछ इस तरह का आएगा। अब आपको यहाँ पे पिन चेंज पे आपको क्लिक करना है। जैसे पिन चेंज पर क्लिक करेंगे तो अब आपको नया पिन बनाना है। नया पिन आपको 4 डिजिट का बनाना है, जैसे जो भी आपको याद करके रखना है वो डाल दीजिएगा। जिससे डालेंगे आपको बोलेगा री एंटर, मतलब जो अभी पिन बनाए रहेंगे उसको बोल रहा है कि उसको दोहराइए, तो आपको उस पिन को दोबारा डाल देना है। जैसे दोबारा डालेंगे तो यहाँ पे देखिए पिन से चेंज हो जाएगा और आपका पिन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जो अभी हाल फिलहाल डाले रहेंगे उसी पिन की सहायता से आप उसे यूज करते रहिएगा। ठीक है, बट आपका जो इसमें आया रहेगा इस पिन के सहायता से मत कीजिएगा, जैसे कि जो एसएमएस में आया रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पिन एटीएम मशीन से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले आप घर बैठे जनरेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप एटीएम मशीन से बना लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगा। क्योंकि जो एटीएम मशीन में आपको एचडी में दिखाया हूँ, ये मैं दिखाने का कोशिश इसलिए किया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई मन में शंका होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।